5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर पर्यावरण को बचाने के लिए गोष्ठियों का आयोजन होता है, वहीं सरकार के द्वारा कुछ कार्य योजना भी बनाई जाती है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में ही जनसंख्या का दबाव भूमि पर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते अब किसान अंधाधुन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है, जिसके चलते हमारा उत्पादन तो जरूर बढ़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंजर भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। भूमि लगातार प्रदूषित हो रही है, जिसका जो प्रदूषण का स्तर कहीं न कहीं हमारे सामान्य दिनचर्या पर भी असर डाल रहा है। यही कारण है कि अब लगातार भूमि प्रदूषण के चलते हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनप रही हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। शहरों का जो कचरा निस्तारण है वो नहीं होना और यहाँ तक कि औद्योगिक फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जमीन में जा रहा है और इससे भी बड़े मात्रा में भूमि का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो क्या मानते हैं जो भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है वो कितना खतरनाक है? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका आप ये सोचिए कि हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, उसमें पैदावार बिना देखे बिना रासायनिक खादों के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और जबकि इसके उर्वरक जो हमारे थे खाद और इस टाइप के उर्वरक ऑर्गेनिक के थे वो लॉन्ग टर्म के लिए वो पैदावार उसमें पैदा होती थी और सीजनल पैदावार होती, बारिश नहीं होगी तो सीजनल पैदावार भी नहीं होगी। ये हमारा डिफॉरेस्टेशन के कारण जलवायु में भी बड़ा भारी परिवर्तन हो गया। तो मेरा ये कहना है कि हमें आज भी अगर हमारे पास पशुओं को रखते हैं, एक गाय करीब आपके 2 से 3 एकड़ ज़मीन को वो उर्वरक बना देती है, वो उसके जो मूत्र है और खाद उससे निकलती है उसको आप छिड़काव कर दें अगर घोल बना करके, तो ये हमारी ऑर्गेनिक खेती में बड़ी उपयोगी है। और इस की बात कर रहे हैं, इस साल हर साल विश्व पर्यावरण का एक उद्देश्य होता है, इस साल विश्व पर्यावरण का उद्देश्य उन्होंने यूएनओ ने इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रखा। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे पृथ्वी का इकोसिस्टम है उसको अगर बिगड़ गया है तो उसको रीस्टोर करें। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में आप समझ लीजिए कि अगर शहरों में कहीं गंदगी है उसको सुधारना, नदियाँ हैं हमारी हमारी ख़राब है या वन हमारे ख़राब हो गए हैं, तो इन सबको रेस्टोरेशन करके इनके अपने प्रयास करके उनको सही करने का उद्देश्य रखा गया। इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस साल माह जुलाई में 30 करोड़ पौधों का रोपण करके इस पर्यावरण को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। अगर मिट्टी जो है हेल्दी नहीं होगी तो जो अन्न उत्पन्न होगा या मिट्टी से जो भी फल फूल उत्पन्न होंगे वे अस्वस्थ उत्पन्न होंगे और जीवन को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से जो हम खेती में तमाम प्रकार के कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी को विषाक्त भी बनाते हैं और उनकी उर्वरक क्षमता भी उससे कम होती है। अब एक आंकड़े के अनुसार लगभग भारत की 57% भूमि वह पोल्यूट हो चुकी है, उनका प्रदूषण हो चुका है किसी न किसी रूप में, और उनसे जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो आपका विषाक्त पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम ज़्यादा दूरदर्शी होंगे। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।